लगी हुई तो कितने की लग जाती ज्यादा से ज्यादा? हवाई पूरा कभी 400 कभी 300 कभी 500 मिल जाती है हवाई पूरा। अच्छा, रेलवे का इधारा कुछ नहीं दे रहा आप लोगों को? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी 5 बच्ची है, 2 बच्चे हैं, फिर क्या करें? इधर से कमा के पूरा हो सकता है? इधर जलालत पूरी उम्र बर्बाद कर दी हम लोगों ने, कहाँ जाएं हम लोग? हम लोगों को रोटी नहीं मिलती है, शादी किधर आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट महान ज़हरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन पर और आज मेरा यहाँ आने का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पे जो कुली होते हैं, आप सबने देखा ही होगा कि यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में कुली मौजूद होते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है इतनी महंगाई में, जहाँ पर एक आम इंसान का जीना भी बुरा हाल हो गया है, उसका जीना मुहाल हो गया है महंगाई के लिए, महंगाई की वजह से उसकी सांसें भी अब जो है ना उसको खरीदनी पड़ रही हैं, ये हाल हो गया है हुकूमत की वजह से, महंगाई की वजह से। तो ये लोग जो दिन के 200-300 रुपए कमाते हैं, ये किस तरह गुजारा करते हैं? क्या वाकई अब इनको फाके करने वाली नौबत इनके ऊपर आ गई है? तो आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त बड़ी तादाद में जो है वो कुली मौजूद हैं यहाँ पर स्टेशन पे। आप लोग जब आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पे कोई चीज़ नज़र आए या ना आए, यहाँ पे कुली की बड़ी तादाद देखी जाती है। जैसे ही कोई गाड़ी या कोई मुसाफिर यहाँ पे एंटर होता है तो ये लोग अपने कमाई के लिए, अपनी रोज़ी के लिए उसके पीछे जाते हैं कि इनकी दिन की दिहाड़ी कुछ लग जाए और ये घर खाली हाथ ना जाए। तो इतनी महंगाई में जहाँ पर एक आम इंसान जो कि महाना 30,000-20,000 रुपए कमा रहे हैं, उसकी 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, उसके लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। तो ये लोग जो दिन का 200-300 हद से हद 400 रुपए कमाते हैं, तो ये घर किस तरह चला रहे हैं अपना, किस तरह 2 वक्त की रोटी खाते हैं और किस तरह अपने बच्चों के खर्चे पूरे करते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सबके लिए, हमारे लिए भी। तो इनकी आवाज़ मैं आप तक पहुंचाऊंगी कि इनकी मेजॉरिटी से पूछेंगे कि ये इतनी कम आमदनी में किस तरह से पूरा करते हैं अपने घर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शेर अली। और कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? लगभग 14-15 साल हो गए। अच्छा, ये सबसे पहले बताएं कि आप लोगों का जो काम है यहाँ पर, आपको रेलवे का जो इदारा है वो कुछ पे करता है या आप लोग जो मजदूरी करते हैं बस वही आपकी कमाई है? रेलवे हमारा कुछ तावन करता, कुछ नहीं करता, जो हम लोग मजदूरी करते हैं वो अपनी जैसे हम खुद ही करते हैं, अपनी मेहनत खुद ही करते हैं हम लोग। इतनी बड़ी तादाद है कुलियों की, इतने सारे कुली मौजूद हैं जितने शायद यहाँ रोज़ मुसाफिर भी नहीं आते होंगे, तो कितनी रोज़ी कमाते हैं दिन की, कितनी मजदूरी मिलती है? और कभी कभार तो ऐसा भी होता होगा कि मजदूरी नहीं मिलती होगी, कितना कमाते हैं दिन का अगर कोई मजदूरी मिल जाए, और घर का कैसे पूरा होता है? भाजी, पहले तो अभी आजकल आपको पता है महंगाई हो गई, हर चीज़ हो गई, लॉकडाउन के बाद तो बंद है, जिसके बाद जो पैसे थे उन्होंने खा पे खर्च किया, भी फाके पड़े हैं लोगों के पास। ठीक है, पहले अल्हम्दुलिल्लाह पहले सरकार गुजारा चल जाता था, महंगाई कम होती थी उस टाइम, अब इतनी महंगाई है कि अभी घर में जो एक चीज़ ले जाते दूसरी चीज़ ले जाती है, दूसरी चीज़ लेने के लिए हम बोलते हैं सुबह को लेनी पड़ेगी, दूध लेके जा रहे हो चीनी के लिए नहीं गुंजाइश, चीनी लेके जा पत्ती के लिए गुंजाइश नहीं है, ऐसा भी सरकार चलना पड़ता है। अब ये है कि अभी मुश्किल गुजारा, कभी कभार तो खाली भी जाना पड़ जाता है, मजदूर बंदे अभी रेलवे हमारे से क्या था, उनको कुछ नहीं करती, हमने अपनी मजदूरी करके खुद ही खानी होती है। आप बताएंगे यहाँ पे कितने दिन की जो है दिहाड़ी लगती है, और किसी दिन जब नहीं लगती तो फिर कैसे क्या खाते हैं, क्या फाके करते हैं, आप बच्चों को भी भूखा सुला देते हैं, किस तरह गुजारा करते हैं आप लोग? जो शुक्र हो जाता है पर क्या गुजारा कर लेते हैं, कभी मिलती है कभी नहीं, एक दिन नहीं मिली दूसरे दिन मिल जाएगी, दूसरे दिन नहीं मिलेगी तीसरे दिन मिल जाती है। तो अगर दिहाड़ी लगी हुई तो कितने की लग जाती है ज़्यादा से ज़्यादा? हवाई पूरा कभी 400 कभी 300 कभी 500 मिल जाती है हवाई पूरा। अच्छा, रेलवे का इदारा कुछ नहीं दे रहा आप लोगों को? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप बताएं कितना कमा लेते हैं दिन का, और घर का गुजारा कैसे चल रहा है, बच्चे कैसे पाल रहे हैं, किस तरह पूरा कर रहे हैं अपने घर का? बस पहले तो महंगाई इतनी नहीं थी, अब तो बहुत महंगाई है, बहुत मुश्किल हो गया, हर बंदा परेशान है, बस क्या करें, मजबूरी, कोई तावन नहीं हुकूमत की तरफ से, बस गुजारा कर रहे हैं, अब क्या करें। कितना कमाई, अगर यहाँ पे दिहाड़ी लगती भी है किसी दिन तो कितना कमा लेते हैं, और जो कमाते हैं उससे फिर क्या करते हैं, घर का बच्चों को रोटी खिलाते हैं या मकान का किराया देते हैं, क्या करते हैं बताएं? बस ये है कि एक दिन चीज़ ले जाओ, एक दिन फिर दूसरे दिन फिर पूरी करो, नहीं तो दो दो तीन दिन मिलती नहीं है,
किसी से मांग के बंदा गुजारा करता है, क्या करे बंदा। महाना अगर टोटल हम लगाएं तो महाना कितना आपका बन जाता होगा? यही के 14,000-13,000 कभी यही मिलता होगा बस। ये भी कोई पक्का नहीं है कि हो, उससे कम भी कमाते हैं? हाँ, ये तो पक्का भी नहीं है, ये तो बस हवाई रोजी है, बस लग गए, मिल गए मिल गए, नहीं तो। और यहाँ पे आप लोग सुबह से रात तक यहाँ पे टाइम लगाते हैं? जी, ये सुबह हम उठते हैं 9 बजे, 10 बजे तक रात को लगाते रहते हैं, बस अल्लाह के आसरा है, हुकूमत तो कोई तावन नहीं करती। चाचा आप बताइए, आप काफ़ी उम्र रसीदा हैं, इस उम्र में भी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस उम्र में भी एक ऐसा काम कर रहे हैं जो जवान भी करें तो उनकी कमर जो है ना वो टूट जाए। आप बताएं कैसे कर रहे हैं आप इस उम्र में और कितना कमाते हैं और हिम्मत आपकी इतनी काम के लिए कैसे बढ़ी है? मेरे को खाने कमाने वाला हो तो हम ना ना करें। बच्चे हैं मेरी, 5 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं, तो क्या करें, इधर से करके पूरा हो सकता? इधर जलालत पूरी उम्र बर्बाद कर दी हम लोगों ने, कहाँ जाए हम लोग। रेलवे का इदारा आपको कुछ भी नहीं दे रहा? कुछ भी नहीं देता। कितना कमा लेते हैं, दिहाड़ी कितने की लग जाती है? दिहाड़ी महीना ही हो गया, जैसे समझ लो कि कोलू 200-300 मिलता तो खा छड़ी जा बस। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 साल उम्र है। और पूरी जिंदगी आपने यही गुजार दी? चाचा आप यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो आप इंसान अगर घबराए नहीं तो क्या करें? हम लड़ रहे हैं, इसलिए तक लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे आखिर दम तक, इंशाल्लाह कुछ आली आई। अभी भी इमरान खान अगर बोले, हाँ पूरी उम्मीद है इमरान खान पे, इंशाल्लाह खुशहाली लाएगा। इतने साल की कारकर्दगी में तो खुशहाली आई नहीं। 2 साल तो गुजरे, उसको 3 साल अभी हुए हैं। कौन सा उसका चमचा? आपने इमरान खान को वोट दिया? हाँ हमने वोट दिया, हमें इस उम्मीद पे दिया कि खुशहाली लाएगा, वो गरीब आदमी का सही ख्याल करेगा। आप कितने साल से यहाँ पे जो है ना ये काम कर रहे हैं? 10-15 साल से कर रहे हैं। 10-15 साल पहले कितना कमाते थे आप? 200-300, अभी 500-600 कमाते हैं, 300 बढ़ गया। अगर आप पहले 200-300 रुपए कमा रहे थे और अब 500-600 रुपए कमा रहे हैं, फर्क है? पहले 200-300 भी नहीं बचते होंगे, आज 500-600 रुपए भी नहीं बच रहा है आपका? बच रहा है, पहले ही 200 बचता था। अगर वैसे ही सब कुछ होता और आमदनी बढ़ जाती तो आज कम से कम अगर 500 कमाते, 200 बचाते तो अपने पास खर्चा निकाल बच रहा है ना, पहले भी 200 बचता था, अभी 200 बच रहा है। अच्छा आप बताएं, आप कितने मुत्तफिक हैं इनकी बात से? जी सर, आप कितने आप मतलब मुत्तफिक हैं इनकी बात से, क्या ये ठीक कह रहे हैं? मेरी समझ से दोनों बार है, क्योंकि एक टाइम की रोटी भी नहीं होती है, लोग तो भूखे मार रहे हैं, जहाँ भी देखो ऊपर महंगाई पे और सवाल डाल दिया है। यहाँ के मुसाफर जो आते हैं उनको बोलते हैं सामान उठाना है, वो बोलते हैं नहीं भाई महंगाई हम खुद ले जाएंगे, इसलिए कि ये सब लोग मजबूर है, दो दो टाइम की इनको रोटी नहीं मिलती, ये खुद मजबूर है सब। इनको अभी ये नहीं पता कि इमरान खान की हुकूमत को कितना अरसा हो गया है। इमरान खान तो अमीर आदमी है ना, वो तो पराठे भी खा सकते हैं, अंडे भी खा सकते हैं, इनको तो सोखी रोटी भी नहीं मिलती। आप यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं? मेरे 40 साल हो गए। पूरी उम्र यही गुजारी है? गुजर गई है बस, यही रह गए। कितना कमाते हैं दिन का? बस 200-300 मिलता है, जो पेट भर के रोटी खा लेता हूँ, घर का आला मारो, घर वालों को छोड़ के आ गया हूँ, बस इतने कमाते हूँ जो पेट भर के रोटी खा लेता हूँ, बस बचता बुझता कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आगे लगता है कि फाके करने की नौबत भी आ जाएगी? बस अनकरे भी है फाके करने में भी, बस देर नहीं लगेगी, लोग खुद बहुत भूखे मर जाएंगे, तो बस वो जलालों से जान छूट जाएगी। आप बताएं चाचा, ये जो बोल रहे थे कि इमरान खान ने जो है ना वो खुशहाली लेके आएगा, आप क्या समझते हैं कब आएगी खुशहाली? कब्र में, कब्र में और कुछ भी आएगी, जब दुनिया से चले जाएंगे फिर आएगी खुशहाली। हम लोगों को रोटी नहीं मिलती है, खुशहाली किधर आएगी?
बताएं कि इमरान खान की 4 साल कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन हैं? हम तो 1 रुपए के बराबर भी नहीं है, वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि इसकी हुकूमत आई तो किसी गरीब को किसी मजलूम को कोई सहूलत नहीं मिली, दिन से दिन महंगाई हो रही है। बहरहाल ये इमरान खान की गलती नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आया है, ये कुरान पाक का फैसला है कि जैसे तुम्हारे अमाल होंगे तो ऐसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। तुम भी दुआ करो, हम भी दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों से अल्लाह ताला वो बेहतर फैसला फरमाए, किसी नेक को लाए जो किसी गरीब की बात सुने और किसी गरीब का ख्याल करे। ये हुक्मरानी तो नहीं है कि कोई गरीब पास 60 में भूखा मर रहा हो, उसका कफन के लिए भी कुछ नहीं हो तो वो क्या उसकी हमदर्दी है, क्या मुसलमानी है? ये हुक्म तो नहीं है कि किसी मुसलमान की वो तंगदस्ती को उस पर मदद नहीं की जाए, तो ये सर इस्लाम ये इजाज़त तो नहीं देता है। इस्लाम तो ये इजाज़त देता है एक दूसरे की खिदमत करें, भलाई करें। ये दिन से दिन इतनी वक्त में किसी गरीब को क्या सुकून हुआ है? कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे दिहाड़ी नहीं लगी हो, खाली हाथ घर गए हो, तो कभी रात भूखे पेट सोना पड़ा? नहीं, किसी से फिर लेकर बंदा जो है ना किसी रिश्तेदार से, किसी भाई से, किसी दुआ सलाम वाले से फिर खाना तो खाना पड़ता है, ये तो मजबूरी है। पर आजकल के दौर में कोई 100 रुपए भी तो नहीं देता ना, मजबूरी है, किसी के पास होगा तो देगा ना। आप क्या कहेंगे, आप बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि दिहाड़ी नहीं लगी, खाली हाथ घर गए और भूखे पेट बच्चों को भी सुलाना पड़ा, खुद भी सोना पड़ा, ऐसी नौबत आई है कभी? हाँ जी, नौबत आ जाती है, जब ना मिले तो घर में लड़ाई झगड़ा ही होना, और क्या होना, खुदकशियाँ होंगी और क्या होगा, इसके अलावा क्या हो सकता। मरने के बाद भी जो है ना वो मुर्दे को सुकून नहीं मिलता कि भाई अब मर गए, अब घर वाले कफन दफन कहाँ से करेंगे? बिल्कुल, वो कहाँ से करेंगे, होगा कुछ तो करेंगे, नहीं तो इदी वाले के वाले करेंगे, यही हो सकता है। हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत नहीं है, रेफर नहीं, हमें हुकूमत ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। चाचा ये बताएं, जो महंगाई हो गई है मुल्क में, हर चीज इंसान की पहुंच से दूर हो चुकी है, कैसे गुजारा कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में? अल्लाह दे रहा है, शुक्र अल्लाह का। कितना कमा लेते हैं दिन का? 400-500। कैसे पूरा करते हैं घर का? अब क्या करें, मजबूरी है, महंगाई बहुत हो गई है। अच्छा, जिस दिन कमाई नहीं होती उस दिन क्या करते हैं? क्या करते, वैसे में अल्लाह को याद करते हैं। आप बताएं कि ये जो दौर चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान की, जो हालत हो गई है पीटीआई की हुकूमत के बाद, के हर चीज़ ही आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान की पहुंच से दूर निकल रही है, इस दौर में जो एक आम शहरी, जो एक तनख्वाह जिसको महाना मिलती है उसका गुजारा भी नामुमकिन हो गया है, आप जैसे लोग जो दिन के 200-300-400 रुपए कमाते हैं, कैसे गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी? तंगी से ही गुजार रहे हैं, और क्या बात, जब किसी दिन दिहाड़ी नहीं लगती तो क्या करते हैं फिर, भूखे सोते हैं? नहीं नहीं, भूखे नहीं सोते, अल्लाह देता है टाइम पे, कोई ना कोई वसीला लग जाता है। अच्छा, ये रेलवे का इदारा है, ये कुछ देता है आप लोगों को? नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं देता। कुछ भी नहीं देता है? नहीं। जो होता है खुद अपनी मेहनत से कमाना पड़ता है दिहाड़ी लगा के, बस कमाओगे तो खाओगे बस। आप बताएं, आप खड़े हुए हैं, आप काफी, आप भी, आपकी उम्र काफी ज्यादा है, कितना कमाते हैं और ये जो काम है इसके लिए कितनी ज़्यादा जो है ना जान और मेहनत लगती है आप लोगों की? आप लोग सुबह 4 बजे आते हैं, शाम को 5-6 बजे चले जाते हैं, 400-500 ही होता है बस। कितना कितना वजन जो है ना एक वक्त में उठाते हैं आप लोग? 40 किलो, 50-60 किलो एक वक्त में, कमर पे लाद के? हाँ, कमर पे। नाजीन, आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं था कि आप लोग इन लोगों की आवाज़ अब तक पहुंचाए, आज का मकसद ये था कि इन आप लोग भी जब यहाँ पर आएँ तो जो साहिब हैसियत हैं वो लोग इनकी मदद करें, क्योंकि ये लोग वो काम कर रहे हैं जो एक आम इंसान नहीं कर सकता, इनके काम में बहुत मेहनत होती है और काफ़ी जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके लिए ये 40-50 किलो का वजन उठाना बहुत मुश्किल बात होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद ज़रूर आएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।